हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 16 से 31 जुलाई 2022 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हिंदी में बनाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 150वां स्थान है। तो आंसर होगा सी, 150वां स्थान है भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। दोस्तों, आपको बता दें पहले स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है, सेकंड पर डेनमार्क है और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी जिसने भारत में टॉप किया है निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों, ये है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ कंपनी का अवार्ड जीता है और इसमें टॉप किया है। आपको बता दें दूसरे नंबर पर मर्सिडीज है और तीसरे नंबर पर अमेजन है। नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, ये है कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा नीति आयोग की इनोवेशन इंडेक्स में सबसे अच्छा राज्य का प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों, ये जो इनोवेशन इंडेक्स है वह नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है और इसमें कर्नाटक ने टॉप किया है। इसके अलावा कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें तो इस इनोवेशन इंडेक्स का यह तीसरा संस्करण था। एमपी इसमें 13वें स्थान पर है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है और तीसरे नंबर पर हरियाणा है। बात आई है कर्नाटक की तो आपको मैप में इसकी लोकेशन बता दें। दोस्तों, मैप में लोकेशन आप देख पा रहे होंगे कर्नाटक की है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12 सीटें हैं। बात करें यहाँ के गीत की तो जय भारत जनिया तनु जते ये कर्नाटक का गीत है। वहीं भारतीय हाथी, स्तनपायी, भारतीय रोलर पक्षी है, कमल फूल है और वृक्ष चंदन है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए कर्नाटक के बारे में, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गोवा। गोवा राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, 37वां आयोजन 2023 में गोवा में किया जाएगा। मैप में लोकेशन आप देख पा रहे हैं गोवा की है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में की गई थी। राजधानी पणजी है। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। प्रमोद सावंत सीएम है। बात करें राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 2 सीटें हैं। स्तनपायी गौरैया है। यहाँ का जो पक्षी है वह बुलबुल है। बात करें मछली की तो ग्रे मुलेट कोंकणी ये मछली है। चमेली का फूल यहाँ का फूल है। वहीं काजू सेब यहाँ का फल है। और वृक्ष की बात करें तो मैट्री टर्मिनलिया कैरेने लता ये गोवा का राजकीय वृक्ष है। बात करें नेशनल पार्क की तो भगवान महावीर, कटिजारो और सलीम अली नेशनल पार्क हैं। वहीं कुंभी यहाँ का फेमस डांस है और सबसे बड़ी नदी ज्वारी है। तो इतना आपको गोवा के बारे में याद रखना है। 100% पीपीपी मॉडल पर संचालित पहला पोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों, 100% प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित या संचालित पोर्ट है जेएल नेहरू पोर्ट। तो आंसर सी इसका सही आंसर होगा, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है और ये 100% पीपीपी मॉडल पर संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट है। द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति बनी है, यह भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों, यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी पहली राष्ट्रपति हैं और ये भारत की क्रम के अनुसार 15वीं राष्ट्रपति हैं। बात करें इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। पहली आदिवासी महिला है और दूसरी महिला जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया है। दोस्तों, पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिर्भर नारी योजना हाल ही में किस राज्य में आई है? तो दोस्तों, ये है असम। असम के द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना लाई गई है जिसमें महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने के लिए कई स्कीमें लाई गई हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम। दोस्तों, बात आई असम की तो आप ये लोकेशन देख पा रहे होंगे असम की है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। राजधानी दिसपुर है। गवर्नर जगदीश मुखी है सर्वानंद सोनोवाल। दोस्तों, यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा होंगे। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। राज्यसभा की 7, लोकसभा की 14 सीटें हैं असम में। वहीं बात करें नृत्य तो बिहू नृत्य है। एक सिंह वाला गेंडा यहाँ का स्तनपाई है और सफेद पंख वाली लकड़ी की बतख ये पक्षी है यहाँ का असम का। तो इतना आपको
असम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुआ दीपेश भान कौन थे? तो दोस्तों हाल ही में जो निधन हुआ है दीपेश भान, ये एक्टर थे। आपने भाभी जी घर पर एक टीवी सीरियल आता है वो तो देखा ही होगा, उसमें ये मलखान का किरदार निभाते थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है हार्ट अटैक से। तो इसका सही आंसर होगा एक्टर। विश्व एथलेटिक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों विश्व एथलेटिक्स में भारत का 33वां स्थान है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। भारत वर्ल्ड एथलेटिक्स गेम जो यूएसए में हुए थे हाल ही में, उनमें 33वें स्थान पर है, पहले स्थान पर यूएसए है। दोस्तों आपको बता दें इसमें नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंकते हैं रजत मेडल अपने नाम किया है। इन गेम्स में भारत ने पहला रजत जीता है और दोस्तों ओवरऑल सेकंड पदक भारत के नाम हुआ है। 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने पहला ब्रॉन्ज पदक वर्ल्ड एथलेटिक्स गेम्स में जीता था और दूसरा अब नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है 2022 में। मंकी पॉक्स को किसके द्वारा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? तो दोस्तों WHO के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। WHO के द्वारा मंकी पॉक्स को वर्ल्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। दोस्तों बात आई है WHO की, तो आपको बता दें इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। इसका जो स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर या मुख्यालय है और हेड की बात करें तो टेड्रोस अधानोम यहाँ के हेड हैं। तो आपको इतना WHO के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले पैसेंजर, दोस्तों ट्रेन नहीं यहाँ ड्रोन है, भारत के पहले पैसेंजर ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका नाम है वरुण, ऑप्शन बी वरुण इसका सही आंसर होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है जो भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन है और इसका नाम वरुण है। हाल ही में VI का नया CEO किसे बनाया गया है? तो दोस्तों VI का नया CEO अक्षय मुंद्रा को बनाया गया है, तो ऑप्शन बी अक्षय मुंद्रा इसका सही आंसर होगा। रविंद्र ठक्कर की जगह अक्षय मुंद्रा अब VI के नए CEO होंगे। दोस्तों VI आप जानते हुए इस समय जो वोडाफोन आइडिया को मिलाकर बनाया गया है। हाल ही में रामसर में भारत की कितनी साइटें जोड़ी गई हैं? तो दोस्तों रामसर में भारत की 5 नई साइटें जोड़ी गई हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब ये 5 साइट कौन कौन सी हैं? तो आपको बता दें 3 साइट तमिलनाडु से, 1 साइट मध्य प्रदेश से और 1 मिजोरम से जोड़ी गई है। जो तमिलनाडु से जुड़ गई है वह करिकलाई वर्ल्ड सेंचुरी, पल्ली करानाई रिजर्व फॉरेस्ट है और पी चिदम्बरम मैग्रोव वन, ये 3 साइट है तमिलनाडु से। साख्य सागर ये मध्य प्रदेश से जोड़ी गई है और वहीं मिजोरम से पाला वेटलैंड को जोड़ा गया है। दोस्तों आपको बता दें भारत में रामसर की सबसे ज्यादा साइटें यूपी में है, कुल 10 साइटें यूपी में रामसर की हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस वर्ष महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों भारत में 2025 में महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 2025 में भारत में महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इससे पहले 1978, 1997 और 2013 में भारत महिला विश्व कप का आयोजन कर चुका है। आपको कुछ और फैक्ट बता दें तो महिला विश्व कप की शुरुआत 1973 में इंग्लैंड से की गई थी। एक और फैक्ट ये है कि महिला विश्व कप पुरुष विश्व कप से पहले खेला गया था, ये भी फैक्ट है। दोस्तों 2022 में इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया चैंपियन रहा है और ऑस्ट्रेलिया यानी महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 बार विश्व कप जीत चुकी है जो अब तक सबसे ज्यादा है। हर घर नल से जल योजना देने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये है बुरहानपुर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसमें हर घर नल से जल योजना के द्वारा हर घर में नल से पानी दिया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बुरहानपुर। दोस्तों बुरहानपुर को दक्षिण का दरवाजा भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य खुद की कैब सर्विस शुरू करने जा रही है? तो दोस्तों ये है केरल। केरल राज्य के द्वारा खुद की कैब सर्विस शुरू की जा रही है, ऐसा हाल ही में वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन उनके द्वारा कहा गया है। दोस्तों इसका जो नाम होगा यानी इस कैब सर्विस का नाम केरल सवारी होगा। बात आई है केरल की, तो दोस्तों ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे केरल की है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर आरएफ मोहम्मद खान है, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीटें हैं केरल में।
मलयालम यहाँ की भाषा है, हाथी यहाँ का स्तनपाई है, ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी है, हरा क्रोमाइड यहाँ की मछली है। राजकीय तितली की बात करें तो पापी लियो बुद्ध यहाँ की राजकीय तितली है। गोल्डन शावर ट्री फूल है, कटहल फल है और नारियल का पेड़ राजकीय पेड़ है। तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों से आए धन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विदेशों से आए धन में सबसे आगे है। दोस्तों हाल ही में RBI के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने बताया है कि विदेशों से जो भारतीय धन भेजते हैं उसमें सबसे ज़्यादा धन महाराष्ट्र में आया है। टोटल का 35.2% महाराष्ट्र अकेले में आया है। अगर बात करें कुल धन भारत में कितना आया है तो 43.20 लाख करोड़ रुपये विदेशों से भारत में धन आया है। दोस्तों अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो इस लिस्ट में मध्य प्रदेश 17th पोजीशन पर है। दोस्तों ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। राजधानी मुंबई है। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं नए। राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। पशु की बात करें तो विशाल गिलहरी यहाँ का पशु है। पक्षी की बात करें अगर तो हरा कबूतर पीले पनों वाला ये पक्षी है महाराष्ट्र का। पेड़ आम का पेड़ राजकीय पेड़ है महाराष्ट्र का। जारुली फूल है और नीला मॉर्मन यहाँ की तितली है। तो इतना आपको महाराष्ट्र के राजकीय जो पशु पक्षी पेड़ फूल हैं इनके बारे में भी याद रखना है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इस लिस्ट के अनुसार रोशनी नाडार सबसे अमीर महिला बनी है भारत की। आपको बता दें इनकी जो नेटवर्थ है वह 84,330 करोड़ रुपए बताई गई है हुरुन इंडिया के द्वारा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए रोशनी नाडार SCL की चेयरपर्सन है। वहीं बात करें दूसरे नंबर पर कौन है तो फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर दूसरे स्थान पर है जो नायका की CEO है। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों या कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपको बता दें इसका जो शुरुआत है वह 1931 में हैमिल्टन कनाडा से की गई थी। अब तक सबसे ज़्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। वहीं भारत ने भारत मेडल जीतने में चौथे स्थान पर है। भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन दिल्ली में किया गया था। भारत ने 1930, 1950, 1962 और 1986 में इन कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लिया था। दोस्तों 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण है जिसमें 213 खिलाड़ी भारत से भाग ले रहे हैं 16 खेलों में। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, इसमें जो ध्वजा वाहक रहे हैं वह PV सिंधु जो बैडमिंटन से हैं और मनप्रीत सिंह हॉकी, ये दोनों ध्वजा वाहक रहे हैं भारत की ओर से। तो ये आपको इतना राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में याद रखना है। वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटाबेस 2021 के अनुसार दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों दिल्ली इसमें 13वें स्थान पर है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सबसे बिजी एयरपोर्ट में दिल्ली तीसरे स्थान पर है। 3.7 करोड़ पैसेंजर ने एक साल में ट्रेवल किया है दिल्ली एयरपोर्ट से। दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट को आप जानती हैं, इसे हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए चीफ इकोनॉमिस्ट किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इंदरमीत गिल को हाल ही में वर्ल्ड बैंक का नया चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये सेकंड भारतीय होंगे जो वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। इससे पहले कौशिक बसु 2012-16 तक चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं वर्ल्ड बैंक में। दोस्तों बात रही है वर्ल्ड बैंक की, तो आपको इसके बारे में बता दें वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। मेंबर 189 देश हैं। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं और MD और CFO अंशुला कांत हैं। ICC ने कितने देशों को मेंबरशिप प्रदान की है? तो दोस्तों हाल ही में ICC ने 3 देशों को मेंबरशिप प्रदान की है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये 3 देश कौन कौन से हैं? तो कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोट दी आइवरी। इन 3 देशों को ICC ने मेंबरशिप प्रदान की है और अब टोटल ICC के मेंबर 108 हो गए हैं। CRPF ने अपना पहल कौन सा स्थापना दिवस 2022 में मनाया है? दोस्तों CRPF ने अपना
84वां स्थापना दिवस 2022 में मनाया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बात आई है सीआरपीएफ की, तो आपको इसके बारे में बता दें, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। मोटो सेवा निष्ठा, ये मोटो है। वहीं बात करें स्थापना की, तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ का स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो डीजी हैं वह कुलदीप सैन हैं और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 2010 दोस्तों इसकी शुरुआत 2010 से की गई थी और इस बार जो थीम रखी गई वह इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर 2 रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, ये थीम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की रखी गई है। एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आयोजन यूएई में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यूएई में 2022 एशिया कप का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले श्रीलंका में इस कप का आयोजन किया जाना था, लेकिन श्रीलंका की हालत ठीक नहीं है जिसके कारण इसको स्थगित करके एशिया कप को यूएई में कराया जाएगा 2022 में। स्टैच्यू ऑफ वननेस प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस जो प्रतिमा है वह बनाई जा रही है। ये प्रतिमा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा होगी, देश की सबसे ऊंची तीसरी प्रतिमा होगी जो 197 फीट ऊंची होगी। बात करें यह किस नदी पर है, तो नर्मदा और कावेरी के बीच मांदाता पर्वत है, वहां ये प्रतिमा बनाई जा रही है। देश के पहले बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों गांधीनगर में, गांधीनगर में देश के पहले बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। सोने और चांदी का अंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्थान होगा, इसे ही हम बुलियन एक्सचेंज कहते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जिताया है। वहीं बात करें ओवरऑल पहले मेडल की, तो पहला मेडल संकेत महादेव ने वेट लिफ्टिंग में जिताया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है? तो दोस्तों ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें एशिया की सबसे जो अमीर महिला है वह सावित्री जिंदल को बताया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपको पता होगा दोस्तों ये जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है, जिनकी जो नेटवर्थ है वह 89,409,000 करोड़ रुपए बताई गई है ब्लूमबर्ग के द्वारा। हाल ही में निर्मला मिश्रा का निधन हुआ, ये कौन थी? तो दोस्तों ये एक बंगाली सिंगर थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों निर्मला मिश्रा एक बहुत बड़ी बंगाली सिंगर थी जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिससे हमने बात की 16 से 31 जुलाई के बीच जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लिंक के जरिए डायरेक्ट वीडियो देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।